महाराष्ट्र में लोनावला में छुट्टियां मनाने गए एक ही परिवार के पांच सदस्य पानी के तेज बहाव में बहे। पहाड़ी पर झरने के पास यह हादसा हुआ, दो के शव मिले, तीन की तलाश जारी। यूपी के मथुरा में कृष्णा विहार इलाके में गिरी पानी की टंकी, हादसे में दो लोगों की हुई मौत, 13 लोग हुए घायल, मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी। गुजरात के सूरत में बारिश के बीच अचानक गिरे बिजली के खंभे, चिंगारी के साथ सड़क पर गिरे तार, ट्रांसफार्मर में भी सड़क पर गिरा, बाल बाल बचे लोग। एमपी के गुना में लगातार बारिश की वजह से सिंध नदी में अचानक पानी आया, रेत निकाल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में डूबे, अचानक पानी आने से दहशत में आए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बारिश ने पोल खोली, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के नीचे अंडरपास पर भरा पानी, परी चौक के पास सड़कें तालाब बने। असम के कोकराझार में हाथी का बच्चा नदी के तेज बहाव में बहा, वन विभाग के कर्मचारियों ने नदी से हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया, इलाज जारी। कर्नाटक के कलबुर्गी में जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, यातायात प्रभावित, लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। बिहार के जहानाबाद में तेज बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भरा, कई वाहन फंसे, ट्रैक्टर तक पानी में डूब गए, लोगों ने धक्का लगाकर एक कार को बाहर निकाला। अहमदाबाद में तेज बारिश के बाद शहर भर के कई इलाकों में भीषण जल भराव, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, सड़कें तालाब में तब्दील। अहमदाबाद के नगर में भारी बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश से पेड़ गिरे, कई कार क्षतिग्रस्त हुई। मुंबई के लोनावला में बारिश के बाद भूसी बांध ओवरफ्लो हुआ, सीढ़ियों पर झरने की तरह पानी बह रहा है, बहते पानी में लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। यूपी के मुरादाबाद में बारिश के बाद भोलानाथ कॉलोनी में भरा पानी, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लिया जा रहा नाव का सहारा, नालों के ओवरफ्लो होने की वजह से तालाब बना मोहल्ला। गुजरात के मेहसाणा में जोरदार बारिश, कई हिस्सों में पानी भरा, हाईवे पर दिखा बारिश का असर, यातायात में लोगों को परेशानी। केदारनाथ धाम में पहाड़ी पर एवलॉन्च, गांधी सरोवर के ऊपर दिखा बर्फ का तूफान, एवलॉन्च से किसी भी प्रकार के कोई नुकसान की खबर नहीं। यूपी के एटा में नगर पालिका परिषद के दावों की पोल खुली, तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भरा, नालों में उफान आने से सड़कों पर भी पानी। गुजरात के सूरत में तेज बारिश से बदला मौसम, बारिश से शहर में हुआ जलभराव, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। बिहार के जहानाबाद में मॉनसून की पहली बारिश में खुली दावों की पोल, सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में घुसा पानी, करीब डेढ़ घंटे तक बच्चों को नहीं मिल सका इलाज। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी बने सभी डैम का प्रशासन ने निरीक्षण किया, बारिश के चलते पानी बढ़ने के दौरान आवश्यक कदम उठाने पर चर्चा। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी जल भराव की स्थिति, ओखला अंडरपास में अभी भी जमा है पानी, पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। पहाड़ों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात खड़े कर दिए हैं, श्रावस्ती में खतरे के निशान के ऊपर राप्ती नदी, कई गांवों में घुसा नदी का पानी। गुजरात के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, बोटाद में भी लगातार हो रही है बारिश, आगे भी भारी बारिश की आशंका। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव, सड़कों पर पानी भरा, गाड़ियों की रफ्तार रुकी। अमृतसर के कई हिस्सों में भारी बारिश, गोल्डन टेंपल और आसपास के हिस्सों में जलजमाव, आने जाने वाले लोगों को हो रही है दिक्कत। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी, डैम कोठी में गंगा का जलस्तर 15 फीट से ऊपर गया, मौसम विभाग ने आज से लेकर 4 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। बिहार के बाद झारखंड में ध्वस्त हुआ निर्माणाधीन पुल, गिरिडीह के भेलवा घाटी में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया, 5 करोड़ की लागत से बन रहा है। दिल्ली में जलभराव को लेकर एक्शन में है एमसीडी मेयर शैली ओबेरॉय, किशनगंज इलाके में जलजमाव का निरीक्षण किया, समस्या दूर करने के लिए अधिकारियों से मंथन भी किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने जलभराव की समस्या का निरीक्षण किया, मालवीय नगर के कॉर्नर मार्केट में बारिश के बाद हुआ भीषण जलभराव। यूपी के सहारनपुर में आरोपी हाजी इकबाल के आवास पर पुलिस ने मुनादी कर नोटिस चस्पा किया, 30 दिन के भीतर पेश न होने पर हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क हुई। यूपी के ललितपुर में ऑनलाइन गेम की लत ने युवक को बनाया अपराधी, खुद के अपहरण की साजिश कर परिजनों से मांगे 5 लाख रुपए, पुलिस ने आरोपी की साजिश का खुलासा किया। आगरा में घर के बाहर खड़ी बाइक से चोरों ने पेट्रोल चोरी किया, कई बाइक से निकाला पेट्रोल, चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड।